हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एजियन 3D आर्टिस्ट चैनल। आज हम करेंगे उस सीन को ट्रैकिंग जो आपने स्टार्टिंग में देखा है। मैं होप करता हूँ वो आपको अच्छा लगा होगा। मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि मैंने उसको कैसे क्रिएट करा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं अपना आफ्टर इफेक्ट खोल लेता हूँ। ये मेरा आफ्टर इफेक्ट खुल चुका है और यहाँ पर हम अपने सीन को इम्पोर्ट कर लेंगे। इम्पोर्ट करने के बाद हम इसकी कॉम्प बना लेते हैं। कॉम बनाने के बाद हम सीधा बस ट्रैक कैमरा कर देंगे। तो हाँ जी, हमारा ये कैमरा ट्रैक हो चुका है, सीन ट्रैक हो चुका है। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीपल बंडल ऑफ ये ट्रैकर पॉइंट ले लेते हैं और क्रिएट सॉलिड एंड कैमरा कर देते हैं। और इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे। ब्लेंडर के लिए ट्रैकिंग सीन के नाम पे सेव कर देते हैं। अभी हमारा ब्लेंडर खुल चुका है। ब्लेंडर खोलने के बाद अभी हम जाएंगे, फाइल में जाएंगे और यहाँ पे हम कर देंगे, यहाँ पे हम ट्रैकिंग सीन और इसको इंपोर्ट कर लेंगे। सॉरी क्या हो, हाँ जी, तो ये हमारा सीन आ चुका है और इसको हम कर देते हैं डिलीट। डिलीट करने के बाद हम यहाँ पे अभी क्या करेंगे, अपने सीन को इंपोर्ट करेंगे एज ए इमेज सीक्वेंस। और ये हमारा सीन यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। और इसको हम तो अभी हम क्या करते हैं, इसको ना हम कीबोर्ड के हिसाब से सेट कर लेते हैं इस प्लेन को। और सेट करने के बाद तो ये हमारा कुछ इस तरीके से सेट हो चुका है। और अभी हम प्ले करके देखते हैं कि ये कैसे लग रहा है। ओके, तो यहाँ पे छोटी सी प्रॉब्लम है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हाँ जी, तो ये हमारा सीन सेट हो चुका है यहाँ पे। अभी क्या करते हैं, हम पहले हम यहाँ पे अपनी फाइल को सेव कर देते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड ट्रैकिंग सीन के नाम पे इसको सेव कर लेते हैं। तो हमारे पास अभी हमारा ये सीन सेट हो चुका है। तो अभी पहले हम क्या करते हैं, इस प्लेन को ना सीधा कर लेते हैं, हमारे सीन के हिसाब से अलाइन कर लेते हैं।
और ये कैमरे का स्केल भी हम अप कर लेते हैं। और अभी हम क्या करते हैं, शिफ्ट एस करके और शिफ्ट ए करके यहाँ पे हम एम्प्टी लगा लेते हैं इसके साथ, और इसको हम करते हैं स्पेयर, और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, और हमारा ये सीन को सेलेक्ट कर लेते हैं, और कंट्रोल कंट्रोल पी, और इसको इसके साथ अलाइन कर देते हैं। और अभी हम मैन्युअली रोटेट करेंगे जिससे हमारा ये सीन सेट हो जाए। जिससे हमें हमारे सीन को सेट करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। यस, और यहाँ से इसको इस डायरेक्शन में अलाइन कर देते हैं। ये चीज़, ये सीन हमारा अलाइन हो चुका है हमारे सेटअप के हिसाब से। और अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा जो मॉडल है उनको इंपोर्ट करते हैं, शिफ्ट एस। ये मेरे मॉडल है इसके अंदर दोनों, और यहाँ पे इंपोर्ट करने के बाद अपेंड, और यहाँ पे हम एस्टन मार्टिन और ये मॉडल दोनों को ही इंपोर्ट कर लेते हैं। शिफ्ट एस और ओके, ये सीन के हिसाब से बहुत ज़्यादा छोटी है, और ये यहाँ पे हमारे आ चुकी है सीन के अंदर, और यहाँ पे हम इसको सेट कर लेंगे। और जो हमारा मॉडल है हम उसको भी यहाँ पे सेट कर लेते हैं, शिफ्ट एस और सेलेक्ट टू कर्सर, और यहाँ पे इसको स्केल अप करते हैं। यस, जी एक्स, और अभी हम इस प्लेन का साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। जी, और इसको थोड़ा सा डाउन हमारे मॉडल के हिसाब से। ओके, देन हम क्या करेंगे, हम अपना जो करेक्टर है इसका भी हम ऐसे ही थोड़ा सा इसको स्केल डाउन और GZ, और इसके हिसाब से यहाँ पे हम छोड़ देंगे इसको। और अभी हम इसको चेक करेंगे, ओके, तो ये कुछ यहाँ पे ठीक रहेगा। यस, थोड़ा सा और, हाँ जी, तो ये हमारा यहाँ पे सीन सेट हो गया है। हम इस प्लेन को हाइड कर देते हैं, और यहाँ पे अभी प्ले करके देखते हैं इसको। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस ग्रिड को हाइड कर देते हैं। दिस
और हम यहाँ पे ना थोड़ा सा गाड़ी का मॉडल है जो इसको स्केल कर लेते हैं और थोड़ा सा बड़ा और कंट्रोल एच करके। यस, और यहाँ पे हम थोड़ा सा करेक्टर को भी बड़ा कर लेते हैं। हाँ जी, और ये हम प्ले करते हैं इसको। और इसको थोड़ा सा यहाँ पे ले जाते हैं। ओके, तो ये हमारा सीन यहाँ पे सेट हो गया है। और अभी हम यहाँ पे एक करेक्टर और ऐड करेंगे, यहाँ पे बैठा होगा, तो हम उस करेक्टर को भी ले आते हैं यहाँ पे। अगर आपको इन सब मॉडल का और करेक्टर का लिंक चाहिए होगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। अभी हम अपने विजन प्रो वाली फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारी यहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी है। अभी हम इसको यहाँ पे सेट करेंगे, कंट्रोल एस करके ये इसको स्केल अप कर लिया। और अभी हम अपना ये बैकग्राउंड को भी पीछे से जो प्लेन हमने लगाया था उसको अनहाइड कर लेंगे। और इसको हम -90, और ये इसके हिसाब से यहाँ पे बोनेट पे बिठा देंगे इसको। और इसका थोड़ा सा पैर को मैन्युअली सेट कर लेंगे। यस, इतना बहुत है। और थोड़ा सा ना स्केल हम इसका डाउन कर देते हैं। हाँ जी, और ये हमारा यहाँ तक सीन सेट हो चुका है। अभी अभी हम इसको सेव कर देते हैं। अभी हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसके ऊपर लाइटिंग। इसको थोड़ा सा और पीछे की तरफ, ये साइकिल पे जाएंगे हम। और यहाँ पे जीपीयू, और ये हम इसके मैक्स सैंपल कर देंगे 200। और हम इस प्लेन को कर देते हैं विजिबिलिटी में जाके शेडो कैचर। और यहाँ पर फिल्म में जाके हम इसको कर देते हैं ट्रांसपेरेंट। और यहाँ पे वर्ल्ड में जाके हम डालते हैं इसके अंदर स्काई। स्काई डालने के बाद हमारा ये कुछ सीन इस तरीके से दिख रहा है। और हम इसको सन को थोड़ा सा ऊपर, और यहाँ से इसको पीछे की तरफ लेके जाएंगे। हमारे यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट पड़े हैं हमारे, इसकी शेडो ये पीछे की तरफ ही जा रही है, तो हम इसको इसी हिसाब से सेट करेंगे। और इसकी लाइटिंग बहुत डाउन कर देंगे। और इसका भी 0.5। और यहाँ पे हम एक पॉइंट लाइट लगाएंगे शिफ्ट प्रेस करके। और यहाँ पे पॉइंट लाइट, और इसको यहाँ पर कुछ सेट करेंगे ऊपर की तरफ।
और इसकी वैल्यू कर देते हैं 100। और इस ब्लैक या कार का कर थोड़ा सा टेक्सचर हम चेंज करते हैं। हाँ जी, और यहाँ पर हम इसका बीस और ये भी 20। हाँ जी, तो ये हमारा यहाँ तक सीन सेट हो चुका है। एक पहले सिंगल फ्रेम निकाल के देखते हैं कि हमारा सीन कैसे लग रहा है, कैसा दिखेगा। हाँ जी, हमारा ये रेंडर हो चुका है। अभी हम क्या करते हैं, इसको कंपोजिटिंग में जाके इसको सेट करते हैं। यहाँ पे शिफ्ट ए करके मूवी क्लिप, और यहाँ पे शिफ्ट ए करके अल्फा ओवर, एंड इसको यहाँ पे इसके साथ, और इसको यहाँ पे इसके साथ, और अभी हम यहाँ पे अपना सीन को यहाँ पे पूरे को इंपोर्ट कर लेते हैं। जी, तो ये हमारा सीन यहाँ पे इस तरीके से दिखेगा। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी इसको पूरा का पूरा रेंडर कर लेता हूँ। और ये यहाँ पे ना थोड़ा सा कार का टायर नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसको सेट कर लेते हैं और फिर हम करते हैं इसको रेंडर। तो अभी हम यहाँ पे इसका फाइनल आउटपुट निकाल लेते हैं। तो ये वीडियो यहीं तक, अगर आपको मेरी वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी और वीडियो लाता रहूँगा, तो प्लीज़ सपोर्ट करें मुझे। थैंक यू, और प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करना। चलिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।